को हटा दिया। ये जो अध्यास है स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण से, ये अनात्मा जड़ देह आदि में जो मैं पना है, मेरा पना है, यही अध्यास है और यही बंधन। इसलिए विचारवान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये अनात्मा जड़ देह आदि में जो आत्मबुद्धि है उसका परित्याग कर देना चाहिए। अहमता ममता का वह निर्बंध हो जाता है। वह क्या है, क्योंकि आत्मा जो है वो निरंतर ही निर्बंध है, बंधन में आती ही नहीं, बंधन में कभी आई ही नहीं। इन अनात्मा में मैं मेरापन करना यही बंधन है और कोई बंधन नहीं। ये बदला दिया है और आरंभ में ही कहा था वासना तानवम मुक्ति, वासनाओं का क्षय हो जाना यही क्या बतलाया है, यही मोक्ष कहा था। इस समस्त वासनाएं दलित हो जाए, क्योंकि फिर वासना का स्वरूप बदला है, देह वासना, शास्त्र वासना और लोक वासना। ये देह वासना इसके निमित्त और अनंत वासनाएं, ऐसे ही शास्त्र वासना है तो इसके गर्भ में और क्या है, और बहुत समाई हुई है। और लोक वासना के अंतर तो बहुत विशाल संसार सृष्टि समाई है, तो इसलिए तीनों ही वासनाओं का परित्याग करके आत्मवासनावान होना चाहिए कि मैं आत्मा साक्षी चेतन निर्विकार निष्कलंक निरंजन हूँ, ऐसा निश्चय है। और ऐसे होता है ना, जैसे कहीं से आपको धन मिल जाए, फिर क्या करते हो आप, पहले उसको बटोर लेते हैं और फिर क्या करते हो, एकांत में बिल्कुल अकेले तब उसको तह बनाऊंगे और गिनोगे, है ना। तो वैसे ही ये जो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये तो आपको धन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, धन मिल रहा है। एकांत में बैठ कर के शांत स्वस्थ चित्त होकर ये विचार करना, मनन करना,
अनात्मा का सर्वथा निषेध कर देना और उसके पश्चात साक्षी रूप से विराजमान होना, ऐसा साधक को अभ्यास करना। ऐसा क्या करना है? अभ्यास। और धीरे 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 धीरे, जैसे सूर्य देव पहले क्या आते हैं, प्रातः काल जब सूर्य के उदय होने से पूर्व क्या आती है, हैं, वो जो लालिमा है, प्रकाश है, थोड़ी थोड़ा प्रकाश, और जहाँ सूर्य उदय होते हैं वहाँ पर क्या आती है, थोड़ी लालिमा छा जाती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे, और फिर सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं, ऐसे आपके हृदय में भी धीरे धीरे साक्षी, जब आप अपने को निश्चय करेंगे तो साक्षी भाव रूपी सूर्य, आत्मा रूपी भानु धीरे धीरे उदित हो जाएगा, और फिर आप अंधेरे से रहित प्रकाश में विराजमान रहेंगे। कहाँ रहेंगे? प्रकाश में रहेंगे, अंधेरे में नहीं रहेंगे। ऐसा आप लोगों को बदला दिया है कि तीनों वासनाओं का परित्याग, सर्व वासना ही है, ये अनात्मा, मेरा पना करना, प्रीति रखना, मैं रख पना करना, ये सब क्या है, यही बनना, यही अभ्यास है, इसका परित्याग करना चाहिए। और बतलाया था कि जिस आत्मा में ये जगत भास रहा, जिस ब्रह्म में, जिस प्रकार से दर्पण में नगर भासता है, होता नहीं, इसी प्रकार ये जो दृश्य जगत है इसमें भास रहा है, ब्रह्म में, ब्रह्म रूप अधिष्ठान में भास रहा है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, जैसे रेत कणों में जल भासता है, जैसे दर्पण में नगर भासता है, इसी प्रकार ब्रह्म में अविद्या से ये जगत भास रहा है। तो वह जो इसका अधिष्ठान ब्रह्म है, वह मैं हूँ, तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि, वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जान करके क्या हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतकृत्य हो, कृतकृत्य होकर के ही रहना चाहिए, है? जैसे किसी का कार्य शेष हो, उसका चित्त क्या रहता है, अशांत रहता है, और जिसने कार्य कर लिया है उसके पश्चात वो शांति से बैठता है, निश्चिंत निर्भय हो। तो वैसे ही मनुष्य शरीर पाकर क्या कृतकृत्य होकर जगत में विराजमान रहना चाहिए, कहीं गुफा में नहीं भाग जाना चाहिए, या कहीं पहाड़ पे नहीं चढ़ जाना है, कृतकृत्य होकर के विराजमान। मनुष्य शरीर मिल गया है, कृतकृत्य कर लो पहले। कृतकृत्य क्या है? अपने स्वरूप, अपनी आत्मा को जान लेना, और तुरंत आप मुक्त हैं। तुरंत क्या हो गई? मुक्त हो गए हैं, मोक्ष प्राप्त हो गए, निर्बंध हो गए, पूर्ण हो गए, निर्भय निश्चिंत हो गए, और फिर जगत में रहिए, यथा प्रारब्ध विराजमान रहो, आनंद में विराजमान रहो, आनंद। तो कृतकृत्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मनुष्य मात्र, इसको मनुष्य मात्र। पर आप लोग कहते हैं कि महाराज कृत्य और बहुत हैं, बड़े कृत्य, कृत्यों में ऐसे हो गए कि उन कृत्यों में ही उलझ गए,
और जो वास्तविक कृत्य है वो नहीं किया। वास्तविक कृत्य है स्वरूप ज्ञान। फिर हो गया कृत कृत्य, बाकी कोई कृत्य नहीं है, बाकी तो शरीर निर्वाह के लिए है। पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, आपने भी कर लिया तो कोई विशेष बात नहीं, बाकी तो शरीर निर्वाह के। ये कर लिया तो आपने कर लिया, कृत कृत्य हो गए। ठीक है, आगे बता दिया जाए। आज आगे देखो जी, आप 293 श्लोक यही है ना। यत् सत्यभूतं निजरूपमाद्यं चिदद्वयानन्दमरूपमक्रियम् तदेत्यमेत्यावपुरुत्सृजयितच्छलुसवदवेशमुपात्तमात्मनः यत् सत्यभूतं निजरूपं आद्यं चिद् अद्वयानन्दम् अरूपम् अक्रियम् तद् एत्य मिथ्या वपुः उत्सृज एतत् शैलूषवद् वेशम् उपात्तम् आत्मनः। यत् सत्यभूतम्, जो सत्य स्वरूप, जो क्या है, जो सत्य स्वरूप है, सद ब्रह्म है, सद रूप है, निज रूपम, जो क्या है अपना निज स्वरूप, जो सत्य स्वरूप अपना आत्म स्वरूप, और क्या है आद्यम, जो क्या है सबका आदि, सबका क्या है आदि, सा पूर्वे सामपि गुरुः कालेना अनवच्छेदा, वो क्या है पूर्वे सामपि गुरुः, सबके गुरु का भी गुरु है कौन, अपनी आत्मा है ब्रह्म। ब्रह्म के लिए कहा है वहाँ जो ब्रह्म है ईश्वर, वो क्या है पूर्वे सामपि गुरु, पूर्व का भी गुरु कौन है अपनी आत्मा है, क्योंकि इससे अनादि और सबका आदि इसके अलावा और कोई दूसरा तत्व पदार्थ नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ आद्य, क्या हुआ है आद्य है, ये आदि है अपनी आत्मा। चिद अद्वयानंद, चिद माने जो चेतन है, इससे भिन्न सब कुछ क्या है जड़ है, आपकी आत्मा से भिन्न सब कुछ जड़ है, आप चेतन है, आप क्या हो चेतन, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये बृहस्पति, ये बाकी सब ग्रह नक्षत्र, ये सब के सब क्या है जड़, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये पहाड़, ये समुद्र, सब के सब जड़, और आप क्या जड़ बन गए, चेतन होते हुए क्या बन गए, बुद्धि में जड़ता आ गई तो क्या हो गए
शरीर आदि में आत्मभाव कर लिया, जड़ हो गए। क्या हो गए? जड़ अन्यथा आप चेतन। बताइए, और कोई चेतन है नहीं, सब जड़ है। और चेतन हो के किसकी गुलामी करता है? जड़ की। जड़ किसकी गुलामी? जड़ की गुलामी। जड़ की गुलामी। स्वयं चेतन गुलाम किसका? जड़ का। ऐसी स्थिति हो गई है मूढ़ता से। इसके कारण से मूढ़ता। मूढ़ता इसी बात को कह रहे हैं। चिद माने चेतन, अद्वयानंदम, जो क्या है? अद्वय है। अद्वय माने दूसरा कोई, द्वय नहीं, द्वैत नहीं, जो एक ही है। एक एक है, अनेक नहीं, एक ही। आनंदम और क्या है? आनंद स्वरूप। क्या है? आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप होते हुए और सुख की कामना और लालसा करना, ऐसा ही होता है। जब बुद्धि पर पत्थर पड़ जाए ना, क्या जब बुद्धि पर पत्थर पड़े हो तो क्या होता है? जैसे फसलों के ऊपर जब पत्थर पड़ते हैं ना, तो फसल नष्ट हो जाती है, कोमल कोमल फसल। वैसे बुद्धि पर पत्थर पड़ गए तो क्या हो गया? बुद्धिदास हो गया। बुद्धिदास हो गया, विवेक शक्ति नहीं रही है, विवेक शक्ति नहीं है। इसी कारण से क्या करता है? इन जो ये विषय है, जो तुच्छ है, जो मलिन है, जो पाप रूप है, जो बंधन रूप है, इनकी क्या करता है? आसक्ति करता है, आशा करता है। क्यों? बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। समझ आया? पत्थर पड़ना जैसे ओला पड़ जाता है, वैसे बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, विवेक शक्ति नष्ट होगी। तो सत्संग से क्या मिल रहा है? विवेक मिल रहा है ना। हाँ, विवेक, विवेक की पौध तैयार हो रही है। ज्ञान के फल, मोक्ष का फल, ज्ञान का वृक्ष और मुक्ति का फल, विवेक की पौध, वैराग्य का जल, ज्ञान का वृक्ष और मुक्ति का फल, ये मिल जाएगा। हाँ, ऐसी बात। इसलिए कहते हैं आनंदम, जो क्या है? आनंद अरूपम, और उसका कोई रूप नहीं, वो सावयव साकार नहीं है, निराकार। ठीक है, निराकार, कोई सावयव नहीं है, वो निरवयव है, निराकार है, ऐसा अरूपम। अक्रियम और क्या है? क्रिया, उसमें कोई कर्म, कोई इच्छा, कोई क्रिया नहीं। कर्म, क्रिया, इच्छा, ये सब किसमें है? ये सब उपाधि है ना, अंतःकरण आदि उपाधियों में। अपनी आत्मा में न कोई क्रिया है, ना कोई कर्म है, और न कोई इच्छा है, क्योंकि वह क्या है? पूर्ण है, अचल है, एक रस है। इस कारण से क्रिया, कर्म, इच्छा आदि उसमें नहीं बनता है। ऐसा जो अक्रिय, वह जो ब्रह्म है, ब्रह्म के लिए बतलाया आत्मा, जो सत्य स्वरूप निज रूप है,
जो आदि है सबका और जो चेतन है, अद्वय है, द्वैत का भाव जहाँ पर नहीं है, आनंद रूप है, आनंद घन है, और अरूपम वास्तव में क्या है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, साकार रूप, और अक्रियम क्रिया रही, निष्क्रिय माने अचल है, माने एक रस, माने पूर्ण है ना, इसी कारण से उसमें कोई क्रिया नहीं है। तद एत्य उस ब्रह्म को प्राप्त करके, क्या उस ब्रह्म को, तद माने वह जो ब्रह्म है, एत्य उसको प्राप्त करके मिथ्या वपु उत्सृज, ये जो मिथ्या शरीर आदि है इसका क्या करो, परित्याग करो, मिथ्या जो शरीर है और इनमें जो आत्मबुद्धि है, शरीर को नहीं छोड़ देना है ना, शरीर तो छूटे छूट जाएगा अपने आप, जब तक प्रारब्ध है, जब तक इसमें चाबी भरी हुई है तब तक चलता है, और फिर जो है जैसे खिलौना चलते चलते जब चाबी खत्म हो जाती है तो क्या होता है, गिर जाता है, तो वैसे ये शरीर भी चलते चलते या बैठे बैठे या लेटे लेटे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, नहीं जब तक चाबी भरी है प्रारंभ की तब तक चलता रहेगा, तो इसको क्या, इसमें क्या, इसको थोड़ा त्यागना है, और जिसकी इसमें मैं बुद्धि मेरी बुद्धि नहीं है तो उसका छूटा हुआ ही, उसका क्या है, छूटा हुआ है, जैसे किसी का किसी में मोह हो, जैसे गाड़ी का मोह है, जूते का मोह है, इसका मोह है, बैठा हुआ है सत्संग में, अब चिंतन चल रहा है, जूता ना ले जाए कोई, तो क्या हुआ, वो जूते को कहाँ रख के बैठा हुआ है, अपने मस्तिष्क में कहो, अपने हृदय में कहो, कहाँ लेके बैठा है, जूता कहाँ रहना चाहिए, पैरों में रहना चाहिए या खोपड़ी में रहना चाहिए, जूता तो पैरों में रहना चाहिए, द्वार पर रहना चाहिए, खोपड़ी में या हृदय में तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन मोह है ना, तो वैसे ही ये जो शरीर है तब तक क्या है, ये आपके बुद्धि पर छाया रहता है, नहीं है, जब तक इसमें मैं पना है, मेरा पना है, और जब ये जान लिया मैं नहीं मेरा नहीं, फिर ही अपनी जगह रहता है, जहाँ रहना चाहिए वहाँ रहता है, धरती पर रहना चाहिए धरती पर रहता है, कहाँ रहना चाहिए है, धरती पर रहना चाहिए, तो कहाँ रहता है, धरती पे रहता है, हवा पानी आदि लेता है, आकाश में यहाँ विचरण होता है, चलता है, जहाँ रहना चाहिए, पांच तत्वों का बना है और पांच तत्वों के आश्रित ही ये टिका हुआ है, रहता है उसी के अनुसार, अन्न जल आदि पांच तत्वों से बना, पांच तत्वों को ही ग्रहण करता है, जहाँ रहना चाहिए वहाँ रहता है, लेकिन आप कहाँ रखते हो इसको, बुद्धि में घुसा करके रखते हैं, और फिर इसमें आत्मा में घुसा के रखते, गलत है, जूते वहीं ठीक है, ठीक है, द्वार पर मोहन ही करना चाहिए जूतों में, ठीक हाँ, तो वैसे ही है, अब गाड़ी मानो, जूता मानो, कपड़ा मानो, मशीन मानो, रथ मानो, जो मानो, शरीर ये दिखाना है कि शरीर अलग है और जो साक्षी चेतन है वो अलग, ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी है, निश्चय कर लेनी है और अनुभव कर लेनी है, और फिर बस शांत होकर विराजमान रहिए, ठीक है, जगत में सहज
शांत होकर विराजमान रहिए, क्योंकि आप तो विराजमान अपनी आत्मा में हो और शरीर वहाँ विराजमान है जहाँ शरीर को सहना है, और शरीर छूटने पर भी शरीर की ये पांच तत्व वहाँ विराजमान हो जाएंगे जहाँ ये रहने चाहिए। पांच तत्व है, पांच तत्वों में ही विलय हो जाता है। अभी भी पांच तत्वों का ही क्या चल रहा है इसमें, है लेना छोड़ना, श्वास लेना छोड़ना, सब क्या चल रहा है, पांच तत्वों का ही चल रहा है। अग्नि भट्टी जल रही है, भूख लगती है, प्यास लगती है, यदि अग्नि ठंडी हो जाए तो भूख प्यास नहीं लगती है, है हवा चलती है तो हवा से अग्नि बढ़ती है। श्वास लोगे जितने, इसलिए प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम करो जिससे क्या होगी, अग्नि बढ़ेगी, भूख लगेगी, भोजन पचेगा और साथ साथ रोग भी पचेंगे। अग्नि में क्या होता है, अग्नि तो सब जला देती है। ऐसी पांच तत्वों का है ये शरीर, पांच तत्व आकाश तत्व भी है, तभी तो इसमें हवा जा रही है। यदि आकाश ना हो तो खाली जगह नहीं होगी, तो पानी जा रहा है, अन्न जा रहा है, सब रक्त का संचरण हो रहा है, तो आकाश भी हो गया, वायु भी हो गई, अग्नि भी हो गई, और जल ही जल भरा हुआ है, और मिट्टी मिट्टी से बना हुआ है, तो पांच तत्व हो गया। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीर। ये शरीर क्या है, अधम है, पांच तत्वों से बना हुआ ये अधम शरीर, और इस अधम शरीर में क्या करता है, ममता करता, क्या करता है, ममता अहमता करता है। क्यों, इसलिए करता है क्योंकि भंगियों के बीच रहता है, इनके बीच रहता है, भंगियों के बीच रहता है, तो इसीलिए शरीर में क्या होती है, अहमता ममता। साफ सुथरे लोगों के बीच में रहेगा तो फिर जो गंदा शरीर है उसमें क्या होगी, अहमता ममता होगी। साफ सुथरे लोग उनके साथ में रहते रहते बुद्धि क्या होगी, बुद्धि मलिन होगी, इस कारण से क्या करता है, ये सब मलिन दुर्गंध पाप युक्त मलमूत्र से पूरित इस घट में क्या रखता है, इस घड़े में, शरीर रूपी घट में मैं और मेरा पर, दुनिया भर की इसीलिए आसक्ति, फिर पदार्थ, फिर संबंध, और फिर पता नहीं क्या क्या नाटक, क्या क्या अभिनय, क्या क्या इच्छाएं, क्या क्या आशा, ये सब क्या है, शरीर को लेकर के, इसको लेकर के। शरीर जो है ये तो भंडार है, मलिनता का भंडार है, इसमें जो विवेकी है वो आत्मबुद्धि नहीं करता। बात समझने की, तो आप आत्मबुद्धि करते हैं क्योंकि किनके बीच में रहते हो, आप ऐसी बुद्धि वाले लोगों के बीच में रहते हो जिनकी बुद्धि और बड़े समझदार मानते, क्या मानते हैं, अरे पशु ही है, जिनमें विवेक नहीं, जिनमें वैराग्य नहीं, वे सब के सब तो क्या है, पशु ही। विवेक वैराग्य संपन्न जो विचारवान है वही मनुष्य है, वो क्या बन जाता है, फिर ब्रह्म रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, जिनको विवेक वैराग्य नहीं है, शरीर की आसक्ति, विषयों की आसक्ति यही जिनके चित्त में है, तो वे सब के सब क्या है, वे सब के सब पशु कही, वे सब क्या है, पशु के भी पशु ही है। वैसे भी तो उसको पशु कहते ही है ना, देवानाम पशु, देवताओं का क्या है, गधा है, ये मनुष्य है, देवताओं का गधा है, देवताओं के निमित्त, प्रसन्नता के निमित्त दुनिया भर के क्या करता है, अनुष्ठान यज्ञ यागादि करता है,
मिलना मिलाना कुछ नहीं होता है। संसार मिलेगा, नश्वर मिल जाएगा, ये तो प्रारब्ध से वैसे ही मिल रहा है, कम ज़्यादा जिसका जैसा प्रारब्ध है, तो और तो कुछ मिलता नहीं है। देवोपासना से क्या प्राप्त होगा? ये तो ज्ञान से ही होगा ना। मोक्ष तो स्वरूप का बोध तो, बंधन से मुक्ति तो केवल ज्ञान से ही। इसलिए इस मलिन देह में आत्मबुद्धि नहीं रखनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं मिथ्या वपु उत्सृजा, ये जो मिथ्या शरीर है इसमें जो आत्मबुद्धि की हुई है उसका परित्याग करो। परित्याग कर सीधा आदेश, यही उपदेश, उपदेश ही आदेश है। उपदेश ही क्या होता है? यही आदेश, एक एक वचन जो है वही आदेश। तो फिर क्या कहा है? ए तत् शैलूषवद वेशम, ये जो शैलूष होता है ना, कौन नट, बल्कि एक तरह से बहु बहुरूपिया जो होता है ना, क्या होता है जो बहुरूप या बहुरूप धारण कर लेता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ए तद शैलूष वद वेशम उपातम, ये जो नट के समान बहुरूपीय के समान जो वेशम वेश उपातम माने धारण किया हुआ है आत्मनः, तूने है क्या किया हुआ है? ये जो मैं रूप से जैसे बहुरूपिया जैसा वेश धारण करता है अपने आप को, राजा का वेश धारण करेगा तो क्या मानेगा? राजा। और सैनिक का वेश धारण करेगा तो क्या मानता है? सबके सामने क्या अभिव्यक्त करता है? मैं सिपाही हूँ, तुम लोगों ने ये अपराध किया है, तुमको मैं राजा के सामने प्रस्तुत करूँगा और तुम्हें दंड मिले। डराता है ना जा करके, बहुरूपिया सबको डराता है ना? तो वैसे ही ये जो वेश धारण किया हुआ है मैं रूप से, आत्मनः अपने आप, ये जो नट के समान बहुरूपिये के समान वेश धारण किया हुआ है शरीर, और इसमें क्या की हुई है? आत्मबुद्धि। मिथ्या वपुः उत्सृजा, इस मिथ्या मलिन शरीर में जो आत्मपना किया हुआ है उसका परित्याग करो। इतना स्पष्ट ही उपदेश, स्पष्ट ही उपदेश, कितना आप लोगों को बताया हुआ है विस्तार पूर्वक भी और सूत्र रूप में भी बतलाया हुआ है। प्रथम तो वासना त्याग ही मोक्ष है, वासना मतलब आसक्ति, दृश्य विषय पदार्थों की जो आसक्ति है इसका त्याग ही क्या बतलाया है? यही मोक्ष बतलाना है। दृश्य जगत में जो मिथ्यात्व अनुभव है यही क्या है? यही मोक्ष है। दूसरा हो गया, फिर ये अनात्मा से भिन्न जो आत्मा साक्षी मैं हूँ ऐसा जो निश्चय है अनुभव है यही क्या है? यही मोक्ष है, यही मोक्ष। इसलिए पहले जो मोक्ष बताया, क्या जी पहले बाद वाला कर लेते हैं और बाद वाले वो पहले वाले बाद में कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। यदि आसक्ति का त्याग नहीं हुआ, विषय वासना का परित्याग नहीं हुआ, तो आत्मचिंतन भी नहीं होगा। चित्त और इंद्रिया कहाँ उलझी रहेगी? इन विषय वस्तु में उलझी रहेगी,
तो वो शांत हो पाएगा क्या, स्वस्थ हो पाएगा क्या, चिंतन कर पाएगा क्या, कर ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रथम तो उसका त्याग, विषय वासना आसक्ति का त्याग ये मुख्य है, यही प्रथम है। ये बात आपको बताई हुई है ना, उसी बात को कह रहे मिथ्या वपु उत्सृजा। मिथ्या शरीर में जो आत्मबुद्धि है उसका क्या कीजिए, परित्याग कर दीजिए। समझ आ गया, जो सत्य स्वरूप निज आत्मा है, जो चेतन है, अद्वय है, आनंद स्वरूप है और निराकार निरवयव है, क्रिया रहित है, अचल है, क्या है ये शरीर है ना, ये शरीर क्या है, कर्म क्रिया परिवर्तन से युक्त है ये शरीर, नहीं इसीलिए कभी छोटा था, कभी मोटा हुआ, लंबा हुआ, कभी बच्चा था तो कभी जवान हुआ, और फिर जवान होकर के क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। ये शरीर क्या है, ये निरंतर क्रिया हो रही है, निरंतर क्या हो रही है, परिवर्तन हो रहा है ना, बिना किए भी हो रहा है, बिना किए। जैसे मकान तो बना दिया आपने, और बनाने के बाद वो पुराना उसको कौन कर रहा है, उसके लिए मिस्त्री लगाओगे क्या, कि भाई मकान बना तो दिया हमने नया मकान, अब ये रोज रोज थोड़ा थोड़ा पुराना हो उसके लिए क्या करो, एक मिस्त्री लगाओ। ऐसा क्या होता है, पुराना अपने आप होता रहता है। तो वैसे ही ये जो शरीर है ये भी क्या होता रहता है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है ना, बदल रहा है, तो इसके लिए कोई आदमी थोड़ा लगा रखे हैं, ये आदमी लगाए हुए हैं, ये शरीर था बच्चा, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ है, और फिर पूरा बलिष्ठ हुआ, और फिर धीरे 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 क्या हो गया, क्षीण होता, वृद्ध हो गया, परिवर्तन होता है ना अपने आप। तो क्यों, क्योंकि इसमें क्रिया चल रही है, शरीर में क्या है, क्रिया, और अपनी आत्मा क्या है, अकल, एक रस है, अपरिवर्तनशील है। इसीलिए जो बाल्यावस्था का भी साक्षी, युवावस्था का भी साक्षी और वृद्धावस्था का भी साक्षी, वो एक ही है। वो क्या है, एक है। वो बदल गया क्या, आत्मा बदली, जागृत अवस्था का, स्वप्न अवस्था का, सुसुप्ति अवस्था का साक्षी एक, भूत का, वर्तमान का, भविष्य का साक्षी एक, वो कौन है, वह है तू, वह क्या है, वह साक्षी तू है, ऐसा निश्चय, ऐसा क्या कर, निश्चय। ये सत्यवाद, ज्ञान केवल सत्य की स्वीकृति है। ज्ञान क्या है, सत्य की स्वीकृति, यही ज्ञान है कि ये अनात्मा है और आत्मा अलग है, ये दृश्य है चेतन अलग है, ये दृष्टा अलग है, ये जड़ है चेतन भिन्न है, तो क्या है, ये सत्य की स्वीकृति है, केवल सत्य ज्ञान और उस सत्य ज्ञान की स्वीकृति, और फिर बाकी बाकी कुछ नहीं, बस निर्भय और निश्चिंतता। किसी को सत्यनिष्ठा कह देंगे, सत्य स्वीकृति कहिए, और सत्य क्या है, आत्मा अनात्मा में आत्मा सत्य है, और सत्यनिष्ठा कहो आत्मनिष्ठा कहो, इतनी सी बात है। बहुत ज़्यादा इसमें खोपड़ी चलाने वाली बात नहीं है, समस्या दूसरी है जो मैंने अभी आपको बताया। समस्या ये है, संघ किनका मिलता है,
संसारियों का, रागियों का, मलिन बुद्धि, स्थूल बुद्धि, मूल बुद्धि, उनका ही संग, उन दर्शन किनके मिलेंगे? इनके दर्शन होते हैं, संतों के दर्शन होते हैं या संसारियों के? संसारियों के, संसारियों के दर्शन करते हैं। किसके दर्शन करते हैं? हाँ, संसारियों के दर्शन करते हो, तो संसारियों के दर्शन नहीं करते, फिर उनको देख करके संकल्प करते हो, संसारियों को देख करके क्या करते हो? संकल्प विकल्प करते हो, इच्छा अनिच्छा करते हो, राग द्वेष करते हो, प्रतियोगा प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा करते हो, इनके दर्शन किए? संसार दर्शन किसके होने चाहिए? आत्मदर्शन करना है। आत्मदर्शन का मार्ग क्या है? संत दर्शन। आत्मदर्शन का रास्ता कहाँ से होके जाता है? संत दर्शन से होके जाता है, संतों के दर्शन। और संत का मतलब क्या है? जिसने गैरी वस्त्र पहने हुए वो संत हो गया, ऐसा थोड़ा है। संत का मतलब क्या है? संत का मतलब है जो निष्काम है, संत का मतलब है जो निर्वासनिक, संत का मतलब है जो सत्यनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ। संत का मतलब वेश मात्र नहीं, वेश मात्र, इसलिए ये पवित्र वेश केवल उनको ही मिलता रहा है। जैसे पुलिस की वर्दी है, दुकान से वस्त्र कपड़ा ले ला करके सील लीजिए और कोई पहन ले, लेकिन वो पहनने का अधिकारी नहीं है ना, जब तक उसके अंदर वो योग्यता ना हो। वो क्या है? पूरा योग्य हो करके, और जब उसको क्या मिल जाती है सरकार की ओर से? सर्टिफिकेट मिल जाता है, स्वीकृति मिल जाती है, उसके पश्चात वो पहनता है तो क्या होता है उसका? उसका आदेश माना जाता है। अब तो दुकान पे कपड़े मिलते हैं, पहन ले। वैसे ही है, इसकी भी योग्यता है। योग्यता क्या है? समस्त वासना आसक्ति कामना से जो रही, ये क्या है? ये है साधु की योग्यता। उसके पश्चात जो आत्मचिंतन के द्वारा आत्मनिष्ठा प्राप्त करनी है, तो वो तो साधक क्या, वो तो संत हो, तो क्या हो गया? संत। ऐसी बात है, लेकिन समय के साथ साथ यही होता है, रेस्ट रेस्ट रह जाती है, आचरण कौन करेगा? वो तो कहीं ना कहीं से और पाप के ही भागी बनते। जैसे हमने वेश पहन लिया और वेश की मर्यादा का पालन ना करें, आचरण वैसा ना करें, तो क्या हुआ? जो संतों की जो एक प्रतिष्ठा है उसमें कलंक लगाने वाला हुआ ना, तो उसको क्या लगेगा? पाप लगेगा, नहीं लगेगा? इसलिए उसको वेश उतार देना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम से कम इस पाप से तो बच जाएगा, अन्यथा क्या कर रहा है? और समाज के हृदय में भी संतों के प्रति आस्था घटा रहा है, तो उन इतने भक्तों का भी वो अपराधी हो गया, इतनी जनता का भी क्या हुआ? वो अपराधी हुआ। तो आप सोचो कितना पाप लगता है, और इन चीज़ों को विचार ही नहीं है। नहीं, मैंने जैसा वेश पहन लिया है, कम से कम अब तक जो किया किया, अब तो सुधार करूं। मनुष्य तो बन जाओ, कम से कम साधु नहीं बनता है, सही मनुष्य ही बन जाए तो भी पर्याप्त। साधु तो बना जाना है नहीं बस की, तो कम से कम क्या बन जाए? मनुष्य बन जाए, वही पर्याप्त। लेकिन ऐसे मलिन आचरण, ऐसे मलिन विचार, चलो तात्कालिक परिस्थिति पे क्या कहना है, क्योंकि ये चलता रहता है संसार में।
संसार में जगत में जो चलता रहता है वो तो अनादि काल से चलता आया है और अपने कर्मों का फल जीव भोगता रहता है। विचार जब करना चाहिए, हमसे शरीर ही एकमात्र द्वार है, यही आप पाप मुक्त, विकार मुक्त, वासना मुक्त हो सकते हैं। कई और नहीं, और फिर और उन योनियों में जाएगा, कितना कितना कष्ट पाएगा, विचार नहीं करता। ये सोचता है, सबको पता है कि मरना है, पर ये सोचते हैं कि दूसरे ही मरेंगे, हम थोड़ा मरेंगे। सबको पता है जो कर्म करते हैं वो भोगना पड़ता है, पर वो हम तो होशियार हैं ना, हम थोड़ा भोगेंगे, वो तो दूसरे ही भोगेंगे ना, ये सोचे रहता है, विचार नहीं करता कि फिर इसका परिणाम क्या होगा। ऐसा ही है जी, चलो जैसा करता है, मलिन आचरण मलिन कर्म उसी के अनुसार फिर भोगता रहता है। अब तो कोई बहुत सहायता करने वाले हैं, अभी तो क्या है, अब तो आपकी कोई भी सहायता कर सकता है, सदग्रंथ सहायता कर सकते हैं, संत सहायता कर सकते हैं, गुरु सहायता कर सकते हैं, और उन योनियों में तो अब अकेले ही माता पिता भी सहायता कर देंगे और भी सहायता कर देंगे मनुष्य शरीर में, तो बाकी कष्ट भोग होगा, कौन सहायता करता है। अब विचार नहीं करता है, विचार की ही तो बात है। अच्छा जी, कहाँ बात कर रहे हैं, बात समझ आया क्या? हमें बतलाया है कि इनमें जो बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था का साक्षी, तीनों अवस्थाओं का और जागृत आदि तीनों अवस्थाओं का भी और भूत भविष्य वर्तमान का भी जो साक्षी चेतन आत्मा है वह तू। ये सत्य की स्वीकृति, सत्य की निष्ठा, यही आत्मनिष्ठा। मुक्त तो होके विराजमान हो, क्या इसमें जोर लगता है, क्या इसमें कोई जोर नहीं लगता, क्या हो केवल संत का दर्शन और संत के उपदेश अपने हृदय में ठहरे। क्या ठहरे, संसारियों के वचन तो ठहरते हैं, उसने मेरे को ये कह दिया जी, उसने हमारे साथ ये किया जी, अरे हम भाई इतने साल हो गए, 17-18 वर्ष सुनाते सुनाते हमारी भी तो कुछ ठहरी होगी नहीं है, एक आधी बात तो हमारी भी ठहरा लो, ऐसा क्यों करते हो है? पड़ोसी ने ये कहा था, घरवाली ने ये कहा था, बेटे ने ये कहा, बहू ने ये कहा, वो सारी बातें हैं खोपड़ी में, हमने क्या कहा वो कुछ नहीं है, उसने ये कहा था है? उस साथी ने ये कहा था, इसका मतलब ना तो आप, मतलब हमारी बातें आपकी खोपड़ी में नहीं है, सीधी सी बात है कि आप हमारा आदर नहीं करते, क्या हमारी बातें आपकी खोपड़ी में नहीं है, स्पष्ट सी बात है कि आप हमारा आदर नहीं करते। आदर करने का मतलब थोड़ा होता है कि जी दंडवत प्रणाम तो हम करते हैं आपको, सुबह शाम करते हैं, तो हम आपका आदर करते हैं। आदर करने का मतलब ये है जब आप हमारी बात आपने एक नहीं रखी, तो क्या आदर किया आपने, आदर किया है? पत्नी का तो बड़ा आदर है, पति का बड़ा आदर है, तो संत का क्या होना चाहिए, दर्शन। दर्शन का मतलब क्या है, उनके जो उपदेश है, संत के ही दर्शन हो के, दर्शन किसके हो, जिससे हम संत बने, क्या बन जाए, संत बन, दर्शन करते 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 क्या हो जाए, जैसे भृंगी है, वो कीड़ा जो है भृंगी का ध्यान करते 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 क्या हो जाता है, है ना, वैसे संत का दर्शन करते 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 क्या हो जाए, हम संत हो जाए। और जैसी संत की निष्ठा है, निष्ठा क्या है बता दी ना आपको, वासना रहित ये निष्ठा है,
जगत मिथ्या ये निष्ठा है, आत्मा साक्षी ब्रह्म रूप चेतन मैं हूँ ये निष्ठा है। तो ये तीन निष्ठा जिसकी है वो क्या है? तो संत है। तो संत का मतलब ये तीन निष्ठा हो जाए हमारी, क्या हो जाए? तीन निष्ठा हो जाए। ये समस्त दृश्य जगत असार दुख रूप रसहीन है, एक तो निष्ठा ये हुई। ये जगत मिथ्या है, ये क्या हुई? ये निष्ठा हुई। और मैं आत्मा चेतन ब्रह्म रूप हूँ, ये निष्ठा होगी तो मुक्ति ही। संत का मतलब ब्रह्म माने मुक्त, तो किसके दर्शन होने चाहिए? संत के ही दर्शन, ठीक है, निरंतर किसके दर्शन? उनके जैसी निष्ठा, उनके जैसा चिंतन है, विचार हो तभी तो निष्ठा होगी। ये संत का दर्शन, क्या ताकत लगती है इसमें? प्रदर्शन किसका करोगे? संसारियों का। बातें किसकी रखोगे? खोपड़ी में भर भर के हैं है? इतनी बातें हम एक घंटे में कहते, हजार बात तो कहते होंगे, कहते कहते कहना गला भी दूधने लगता है, है? ये बातें रखते नहीं है, जो रखनी चाहिए यही रखनी चाहिए, ठीक है ना। संसार की बातें क्या है? अच्छा, समझ आ गया, ये आगे बताना है। ये समझ लीजिए, ऐसा जो ब्रह्म है तद एत्य, उस ब्रह्म को आत्म रूप से प्राप्त करके अनुभव करके मिथ्या बपु उत्सृज, ये जो मिथ्या शरीर है जो कैसे धारण किया हुआ है, जैसे बहुरूप या वेश धारण कर लेता है, इसी प्रकार से आत्मना मिथ्या वपुहु उपातम, क्या है? आत्मा ने मिथ्या शरीर को ही मैं रूप से धारण किया हुआ है, उसका उत्सृज क्या करो, उसमें मैं पने का आत्मबुद्धि का परित्याग कर दीजिए, और ब्रह्मा रूप होके विराजमान। तद एत्यव, ब्रह्म मैं हूँ, केवल यही निश्चय को, यही निष्ठा, समझ जाए। आगे बताया जाए क्या? आगे भी बता देंगे हमको। चलो जी आगे देखिए। सर्वात्मना दृश्यमिदं रसैव नैवाहमर्थः क्षणिकत्वदर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः कुतोऽहमादेः क्षणिकस्य सिद्धे। सर्वात्मना दृश्यम् इदम् मृषा एव न एव अहम् अर्थः क्षणिकत्वदर्शना जानामि अहम् सर्वम् इति प्रतीतिः कुतः अहम् आदेः क्षणिकस्य सिद्धे। सुंदर सुंदर बात, युक्ति युक्त है, कैसी सत्य सत्य कहते 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 आप सत्यनिष्ठ हो जाए, सत्य कहते हुए, सत्य सुनते हुए,
सत्य को स्वीकार करते हुए क्या हो जाएंगे आप? सत्यनिष्ठ। अब क्या करते हो? असत्य कहते हो, असत्य सुनते हो, असत्य क्या होते हैं स्वीकार करते हो और असत्यनिष्ठ हो गए। यो समझ लीजिए, देह सुनते हो, देख देह ही कहते हो, कहते क्या हो? देह को लेके ही कहते हो ना, सारा व्यवहार किसको लेके कर रहे हो? देह को लेकर, और सारा सुन भी रहे हो तो किसको लेकर के? देह को लेकर, काम काम की बात सुन लेते हो, काम काम की जो शरीर संबंधी है, क्या शरीर स्वार्थ संबंधी जो बात है उनको उनको ही कहना, उनको ही सुनना, उनको ही स्वीकार करना, इसीलिए क्या हो गए? देहनिष्ठ हो। क्या हो गए? देहनिष्ठ हो। अब देहनिष्ठ कहो, असत्यनिष्ठ कहो, मिथ्यानिष्ठ कहो, असत्यनिष्ठ कहो, एक ही बात। और होना क्या? आत्मनिष्ठ। तो उसके लिए क्या है? सत्य कहना, सत्य ही सुनना, सत्य का ही आचरण करना, सत्य को ही स्वीकार करना, सत्यनिष्ठ हो जाएंगे। क्या हो जाऊंगे? सत्यनिष्ठ। समझ आया? वैसे ही सत्य बात बता रहे हो। कितनी युक्ति, क्या कहते हैं? सर्वात्मना इदं दृश्यं मृषा एव। सर्वात्मना, संपूर्ण रूप से ये जो दृश्य जगत है मृषा एव मिथ्या ही है। क्या कहने? सर्वात्मना संपूर्ण रूप से इदं दृश्यं मृषा एव। ये जो दृश्य शरीर आदि है ये सब के सब क्या है? मृषा है, मिथ्या है। न एव अहम अर्थः, ये मैं नहीं हो सकते। न एव अहम अर्थः, ये अहम के अर्थ नहीं है। क्या है? ये देह आदि जो है ये सब क्या, सब के सब क्या है? मृषा ही, मिथ्या ही। बतलाएंगे, हेतु देंगे। नैव अहम अर्था, ये अहम के अर्थ नहीं हो सकते, अहम पदार्थ नहीं हो सकते। क्यों? क्षणिकत्व दर्शना, क्षणिक क्या है? बाल्यावस्था थी तो युवावस्था, अब बाल्यावस्था गई, युवावस्था आई तो बाल्यावस्था, और युवावस्था गई तो वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था आ गई तो न बाल्यावस्था है न युवावस्था। तो ये जो शरीर है ये क्या है? क्षणिक हुआ ना, परिवर्तनशील हुआ, तो ये मैं अर्थ नहीं हो सकता। मैं शब्द का अर्थ ये नहीं है। मैं जो है वो बाल्यावस्था में भी, युवावस्था में भी और वृद्धावस्था में भी मैं क्या है? समान रूप से ही है। मैं तो है ना, मैं तो नहीं बदला है, बाकी शरीर बदल गया। जो आंखें बहुत देखती थी वो, जो कान बहुत सुनते थे, जो पैर बहुत दौड़ते थे, जो शरीर बहुत काम कर लेता था, तो शरीर सब कुछ बदल गया है? जब ये शरीर से चला ही नहीं जाता था, घुटनों के बल चलता था, फिर क्या हुआ? खड़ा हुआ पैरों के बल, केवल चला नहीं, दौड़ा। बुढ़ापा आ गया, फिर घुटनों के बल आ गया, फिर क्या आ गया? घुटनों को बल। आप थोड़ी समझ है तो लाठी ले ली, लाठी ली, बिल्कुल घुटनों पर ना आना पड़ जाए इसलिए क्या ले लिया? लाठी ले। हाँ, उसको आजकल वाकर बोल देते हैं। हाँ, वाकर, वाकर।
स्टिक छड़ी, हाँ छड़ी ले लेता है इस तरह की, घुटनों पे ही आ जाएगा नहीं, है ना। देखेंगे कई वृद्ध लोग बेचारे शरीर ऐसे वात रोग बढ़ जाता है वृद्धावस्था में कि घिसट घिसट करके चलना पड़ता है ना, ऐसा संधिवात हो जाता है, सब जोड़ जकड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं। वैसे ही शरीर तो एक जैसा नहीं था, कभी नहीं चलता था, अत्यंत असक्त था, असमर्थ था, फिर इतनी सामर्थ्य आई ये समझता है कि मैं ही वास्तव में बस ईश्वरो अहम, अहम भोगी सिद्धो हम, बलवान सुखी आढ्यो अभिजनवान अस्मि, कौन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। आया है ना, क्या है, आढ्यो अभिजनवान अस्मि, मैं धनी हूँ, मैं क्या हूँ, सम्मानित हूँ लोगों के द्वारा, कौन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन है, यक्षे यज्ञ करूँगा, ऐसा विशाल यज्ञ करूँगा दुनिया देखती रह जाएगी, क्या आया यज्ञ वज्ञ करते रहते हैं दुनिया, ऐसा यज्ञ करूँगा क्या, दास्यामी, ऐसा दान करूँगा कि दुनिया देखेगी खड़ी खड़ी, ऐसे दान इतने बड़े बड़े भंडारे करूँगा, वहाँ भी अहंकार। यक्षे दास मोदिश्या, और बड़ा प्रसन्न होऊंगा हैं, यों कि मैं देने वाला हूँ और सब क्या है बाकी, यों मैं देख देख करके प्रसन्न होऊंगा ऐसे। और दूसरा क्या बताया था, ईश्वरो अहम, अहम भोगी सिद्धो हम, बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, हैं मेरे समान कोई भोगी नहीं है, मैं इतना खा के पचा डालता हूँ, मैं इतना वो कर डालता हूँ, मैं इतना वो कर डालता हूँ, ये सब क्या है कि मैं बहुत सामर्थ्यशाली हूँ, भोगता हूँ, हैं सिद्धो हम, मैं क्या हूँ, सिद्ध हूँ, यों नोट फेंकता हूँ और जो सब काम बैठे बैठे यों हो जाता है, तो मैं क्या हूँ, सिद्ध हूँ। इत्यज्ञान विमोहिता, इस प्रकार ये जो राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, अज्ञान से विमोहित होकर इस प्रकार से क्या करते रहते हैं, संकल्प करते रहते, निश्चय करते रहते और बकते रहते, क्या करते रहते हैं, ऐसे बोलते रहते कुछ कुछ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे को नहीं जानते, मैं हाँ मैं यो हूँ, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ये सब क्या है, राक्षसी आसुरी तमोगुणी लोग, ऐसे नहीं, जो क्या है, ये शरीर तो कुछ दिन में ही इसके पेंच ढीले हो जाते हैं, फिर कभी चला भी नहीं जाता जी, आप तो कहते थे एक श्वास में 2 किलोमीटर दौड़ के तब तो मैं एक श्वास लेता था, आप तो ये कहते थे, और यहाँ से वहाँ तक चलना ही नहीं, कहते भाई समय की बात है, ये शरीर है, अच्छा चौके अच्छा चौकी हालत ख़राब हो जाती है, शरीर की बात, तो शरीर ये क्या है, क्षणिक हुआ ना, बालकपन क्या है, नष्ट हो गया, युवावस्था नष्ट हो गई, वृद्धावस्था भी नष्ट हो जाती है, अभी नहीं करता नष्ट, मर जाऊंगे तो फिर हैं बूढ़े तो बने रहो, कोई बात नहीं ना, तो जो जैसे हो बने रहे हो कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, सब चलता रहता है, ये मरना जीना सब चलता रहता है, यूँ तो प्रारब्ध के आधार है, बालकपना युवापना वृद्धपना रोगपना अरोगपना सुख दुख है भूख प्यास, ये सब क्या है, ये प्रारब्धाधीन तो चलता रहता है, उसको नहीं हम रोकने, पर हम कह रहे चलो कोई बात नहीं, बालकपन मर गया आपका, युवावस्था मर गई, बुढ़ापा आ गया,
जीव मर जाएगा पर आप नहीं मरोगे, ठीक है। बालकपन मर गया आप नहीं मरे, युवापन मर गया आप नहीं मरे, वृद्धपन मर जाएगा आप नहीं मरे। सच्ची बात है ना, पक्की बात है, ऐसा निश्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चय। ये निश्चय होना चाहिए कि शरीर मर जाएगा, मैं बैंक नहीं हूँ। सोचे तो चलो बताएंगे आगे, लेकिन कल ही बताएंगे आज। तो